हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइजन के बारे में। काइजन क्या होता है, क्यों करते हैं इसको, इसमें एक अम्ब्रेला कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे हम लोग एग्जांपल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग काइजन के बारे में। काइजन एक जैपनीज वर्ड है जिसमें कि दो मीनिंग है, कि काई और जेन, जिसको कि इंग्लिश में काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड या बेटर भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग चेंज गुड बोलते हैं या चेंज फॉर बेटर। काइजन एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कंसेप्ट है जिसमें कि लगातार सुधार किया जाता है अपने प्रोसेस को या अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, जिससे आप लोगों को काम करने में आसानी हो या स्टैंडर्ड तरीके से काम हो, वेस्ट जनरेट ना हो। इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं काइजन के थ्रू। दोस्तों, काइजन को पहली बार जैपनीज बिजनेस में लाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसको मसाकी इमाई ने डेवलप किया था, जिनको कि लीन ग्रो भी बोलते हैं। इनको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का फादर भी बोलते हैं। काइजन एक कंसेप्ट है ऐसा जो कि नेवर एंडिंग कंसेप्ट बोलते हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाला कंसेप्ट है, जिसमें कि हम हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। काइजन एक मेथड है जो बिजनेस एक्टिविटी को रेफर करता है, जिसमें कंपनी के CEO लेवल से वर्कर तक सभी शामिल होते हैं कार्य को अच्छे तरीके से संगठित करने के लिए, जिससे हमें कार्य करने में आसानी हो। ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है या कहीं भी ऑफिस एरिया। काइजन को लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, बिजनेस, गवर्नमेंट, बैंकिंग, इन सब में भी यूज किया जाता है। अब हम लोग काइजन के कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं काइजन क्या होता है, कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि एक बिफोर इमेज है और एक आफ्टर इमेज है, जिसमें कि बिफोर इमेज में दिखाया गया है कि एक मशीन है, मशीन जो वैक्यूम क्रिएट करने वाली एक मशीन है, जिसको कि इस तरीके से रखा गया है, जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है रखने का, इसको कहीं भी रखा गया है उस हिसाब से ये दिख रहा है। लेकिन आफ्टर वाले पिक्चर में इसको सही पोजीशन पे एडजस्ट करके रखा गया है और उसकी मार्किंग भी की गई है कि ये इस चीज़ का प्लेस है। तो ये काइजन होता है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से संगठित करके रखते हैं तो वो काइजन होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इधर उधर रखे हुए हैं, कहीं भी रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो ये बिफोर की इमेज है। लेकिन इन्होंने उस पर काइजन किया है, काइजन करने के बाद जो आफ्टर इमेज है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक इन्होंने ट्रॉली टाइप की रेक बना रखी है, रेक के ऊपर अलग अलग तरीके से बिन को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने वेल्डिंग करके एक अच्छे तरीके से रॉड वेल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने बिन को लगा दिया है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट रख दिया है, फिर उसके बाद उन पे स्टिकर लगा दिया है कि ये इस साइज का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये काइजन है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 10 प्रिंसिपल ऑफ काइजन। काइजन के 10 प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है ये आपकी लाइफ के ऊपर भी है, आपके जहाँ पे आप लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी है, कंपनी जो आपका इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी है। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें जो पहला पॉइंट है, नेवर स्टॉप, मतलब हमेशा काइजन करते रहना है आपको, स्टॉप नहीं होना है कभी भी, क्योंकि हमेशा हर जगह इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पता लगा सकते हैं क्या क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट है, एलिमिनेट ओल्ड प्रैक्टिसेस, जो आपने पहले किए हुए हैं काम या जो कुछ भी, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, उनमें नए तरीके लाने की ढूंढिए, उसमें क्या हम उसको हटा सकते हैं नहीं। तीसरा होता है, बी प्रोएक्टिव, हमेशा सक्रिय रहिए, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते रहिए कि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है, डोंट एज्यूम न्यू मेथड विल वर्क,
आप ये मत सोचे कि जो हम नया मेथड सोच रहे हैं वो काम करेगा या नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पांचवा पॉइंट है मेक करेक्शन। जहाँ पर भी आपको लग रहा है, मेक करेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, जो कि हमें हेल्प करेगा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए। सिक्स नंबर पॉइंट है वो है इम्पावर ऑल एम्प्लॉय टू स्पीक अप। आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर या जो भी कंपनी में आपके काम करते हैं, आपके एम्प्लॉय, उन सब से कहिए कि आप लोग इसको करें, काइजन करें अपने एरिया में जहाँ पे भी आप लोग काम करते हैं। सातवां पॉइंट है क्राउड सोर्स। क्राउड सोर्स मतलब आप लोग दूसरे लोगों से भी सीखिए कैसे वो लोग काइजन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जो आठ नंबर है प्रैक्टिस द 5 Why मेथड। जब भी आप लोग कोई काइजन करते हैं उनमें 5 Why मेथड को अप्लाई करिए। हम क्यों करते हैं, क्या होगा इससे, क्या फ़ायदे होंगे, इस तरीके से आप लोग 5 Why मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो 9 नंबर पॉइंट है बी इकोनॉमिकल, उसमें आप लोग कोशिश करें कि जो हम काइजन कर रहे हैं उसमें कुछ कॉस्ट की सेविंग हो, जो कि जिसको कि आपकी कंपनी को फ़ायदा हो या आपके पर्सनल लाइफ में फ़ायदा हो। जो 10 नंबर है डोंट स्टॉप। अभी आप लोग ये मत सोचे कि हमारा काम हो गया, हमने ये काइजन कर दिया तो हो गया, हमेशा कुछ नई थिंकिंग सोचते रहिए। ये हैं 10 प्रिंसिपल ऑफ काइजन। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं काइजन अम्ब्रेला के बारे में, जिसको कि अम्ब्रेला कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है काइजन एक अम्ब्रेला है जो कि कवर करता है अधिकांश जैपनीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस को, जिसने कि 1950 के दशक में जीरो से लेकर 1980 के दशक में वर्ल्ड लेवल का कंपिटेटर बनाने में मदद किया था जापान को। जिसमें कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ये काइजन अम्ब्रेला के नीचे जो है कस्टमर ओरिएंटेशन, TQC टोटल क्वालिटी कंट्रोल, रोबोटिक्स, क्वालिटी सर्कल, सजेशन सिस्टम, ऑटोमेशन, TPM, कानबान, ये सारे जो टूल्स हैं, जो प्रैक्टिसें थी, जिसके आधार पर जापान आज के डेट में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। जिसने कि ये कंसेप्ट बनाया था इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है और आज के डेट में ये सबसे ऊपर है। ये होता है अम्ब्रेला कंसेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।